इनकम्प्लीट अबॉर्शन में देखते हैं कि अगर आपको एक तो कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग हो रही है 8 से 10 दिन, और अगर आपका पीरियड वहाँ पर फिनिश हो गया, यानी ब्लीडिंग फिनिश हो गई है और दूसरे मंथ की ब्लीडिंग हो रही है, उसके दोनों के बीच में, यानी कि फर्स्ट मंथ में जिस मंथ में आपका अबॉर्शन हुआ है और दूसरे मंथ में आपका पीरियड आना है, अगर उन दोनों के बीच में आपको फिर भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, यानी स्पॉटिंग होती चली जा रही है या हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि मिस्ड अबॉर्शन हुआ है। 2 से 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी ब्लीडिंग फिनिश हो जाती है, क्रैम्प्स पी जो है या पेट का दर्द भी फिनिश हो जाता है, ये तो है सिम्टम कंप्लीट अबॉर्शन का। बट वहीं पे इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, आपको रह रह के दर्द होगा, रह रह कर क्रैम्प्स होगा, कभी क्रैम्प का जो इंटेंसिटी है यानी कि दर्द है वो ज्यादा होगा, कभी कम होगा, पर आपको ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। वहीं इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, आपको फीवर भी हो सकता है, आपकी स्वेलिंग बढ़ सकती है, कॉन्स्टेंटली हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है, पेट में जो दर्द है या क्रैम्प्स हैं वो रहेंगे, आपको बॉडी जो है और ज़्यादा थकान महसूस आपको फील होगा।